एपिसोड की शुरुआत में इससे बोलता है कि सफ़ेद कपड़ों में ब्लोंड लड़की, ये नज़ारा कितना रेयर है। लेकिन यह सब सोचने का टाइम नहीं है। तभी वो उसे हाथ देकर बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी इससे को उसका चेहरा दिखाई देता है और इससे सोचता है कि ये कितनी क्यूट है, एक असली आइडियल गर्ल। अब वो लड़की इससे को थैंक यू बोलती है। इससे सोचता है कि मुझे बात को आगे बढ़ाना होगा और इससे बोलता है कि आज का मौसम बहुत अच्छा है। ये बोलकर इससे सोचता है कि मैं बूढ़ों की तरह बातें क्यों कर रहा हूँ। अब वो लड़की बोलती है कि वो मैं रास्ता भटक गई हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अब इससे उसके साथ चलने लगता है तो वो बोलती है कि मैं इस टाउन के चर्च में आई हूँ। इससे बोलता है कि अच्छा, तुम्हारे कपड़ों को देखकर लगता है कि तुम सिस्टर होगी। अब वो बोलती है कि मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे जैसे काइंड आदमी से मिल पाई। तभी इससे को उसके गले में क्रॉस का साइन दिखाया देता है जिससे उसे अजीब सी फीलिंग आती है। लड़की बोलती है कि क्या हुआ, तो इससे बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं, और सोचने लगता है कि ये किस तरह की फीलिंग थी। अब वो देखती है कि एक लड़के को चोट लगी और अपने मैजिक से उसकी चोट को ठीक कर देती है। इससे सोचता है कि ये चोट कैसे ठीक हो गई। अब वो बोलती है कि तुम जरूर हैरान हो गए होगे, लेकिन ये अमेजिंग पावर मुझे भगवान से मिली है। इससे बोलता है कि तुम्हारी पावर काफी अमेजिंग है। तभी वो बोलती है कि वो रहा चर्च। इससे को अजीब सी फीलिंग आने लगती है तो वो बोलती है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरे साथ ऊपर तक चलोगे। इससे बोलता है कि नहीं नहीं, वो मुझे कुछ काम है। तो वो बोलती है कि अच्छा, मेरा नाम आशी अर्जेंटो है, प्लीज मुझे आसिया कहो। इससे बोलता है कि मैं यूडो इससे हूँ, तुम मुझे इससे बुलाओ। आशिया बोलती है कि प्रॉमिस करो अगर तुम्हें टाइम मिला तो तुम मुझसे मिलने चर्च जरूर आओगे। इससे बोलता है कि ठीक है। अब रियांश इससे को बोलती है कि तुम कभी भी चर्च नहीं जाओगे क्योंकि चर्च का एरिया हम डेविल्स के लिए दुश्मन का एरिया है। वहाँ पर पांव रखते ही गॉड्स और डेविल साइड दोनों को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तुम्हें वहाँ पर कुछ हज महसूस नहीं हुआ? तो इससे बोलते हैं कि हाँ, वहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। रियास बोलती है कि तुम्हारी डेविल इंस्टिंक्ट ने डेंजर को महसूस कर लिया था। तुम समझ रहे हो कि ये कितनी सीरियस बात है? इससे बोलते हैं कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ। रियास बोलती है कि खैर छोड़ो, आगे से ध्यान रखना। अब इससे सोचते हैं कि मैंने आज फिर से प्रेसिडेंट को गुस्सा दिला दिया, सॉरी आशिया, मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाऊंगा। अभी अकेनो बोलती है कि प्रेसिडेंट को बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। इससे एकदम से चौंक कर बोलता है कि अकेनो। तभी रियास बोलती है कि अकेनो, मैंने सोचा तुम घर चली गई हो। अकेनो बोलती है कि हमें आर्क ड्यूक से एक मैसेज आया है कि एक स्ट्रे डेविल इस एरिया में घूम रही है। अब वे इससे को बताते हैं कि ये ओरिजिनली डेविल सर्वेंट होते हैं, या तो वो अपने मास्टर को धोखा दे देते हैं या फिर उन्हें मारकर भाग जाते हैं। अब वे एक जगह पर आते हैं। रियास बोलती है कि हमें रिपोर्ट मिली है कि स्ट्रे डेविल ऐसे खाली घरों पर आते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें खा जाते हैं। रियास आगे बोलती है कि आज की रात हमारा काम है ऐसे ही डेविल्स को खत्म करना। अब वे अंदर चले जाते हैं। रियास बोलती है कि क्या तुम चेस के बारे में जानते हो? इससे बोलता है कि वो बोर्ड गेम। रियास बोलती है कि हाँ, मैं उस गेम के हिसाब से किंग हूँ और तुम सब उस गेम के हिसाब से मेरे पीसेस। इससे बोलता है, लेकिन ये अब मुझे क्यों बता रही हो? रियास बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम आज की फाइट को ध्यान से देखो। तभी एक डीमन बोलती है कि कितनी अच्छी खाने की स्मेल आ रही है। रियास बोलती है कि अपने मास्टर को धोखा देकर तुम यहाँ पर मजे कर रही हो, इसके लिए तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। डीमन बोलती है कि प्यारी लड़की, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बॉडी का रंग भी तुम्हारे बालों की तरह लाल कर दूं? डीमन को देखकर इससे बोलता है कि ये स्ट्रे डेविल है, लेकिन ये तो मुझे बहुत ही हॉट औरत लग रही है। तभी उस डेविल की बॉडी बहुत ही बड़ी हो जाती है। कीबा बोलता है कि जैसा मैंने पहले कहा था, ये लोग अपनी बॉडी और सोल को बहुत ही अगली बना देते हैं। इससे बोलता है, लेकिन इसके ये प्यारे बोज इतना बड़ा वेस्ट है। अब वो डीमन अपने ब्रेस्ट की मदद से उनके ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन रियास इससे को बचा लेती है। ये देखकर इससे बोलता है कि ये सचमुच की मॉन्स्टर है। अब रियास बोलती है कि कीबा बहुत ही तेजी में गायब हो जाता है। इससे बोलता है कि तो गायब हो गया। रियास बोलती है कि नहीं, ये बहुत तेजी के साथ मूव कर रहा है, इसलिए तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। युतो का रोल एक नाइट का है, उसकी स्पीड और उसकी तलवार उसका अल्टीमेट वेपन है। तभी कीबा उस डीमन के दोनों हाथ काट देता है। अब इससे बोलता है कि कोने को संभल कर। तभी वो डेविल कोने को पकड़ लेती है, इससे शॉक में हो जाता है। रियास बोलती है कि कोई बात नहीं, लेकिन कोने को उसके जबड़े को फाड़ कर निकलती है। रियास बोलती है कि कोने को मेरी रूख है और इसका डिफेंस और स्ट्रेंथ ही इसकी ताकत है। तभी कोने को उस डीमन को पटक देती है। इससे सोचता है कि मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं कभी कोने को के साथ ना उलझूं। अब रियास बोलती है कि अकेनो, तो अकेनो बोलती है कि ओ डियर, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। तभी उस मॉन्स्टर खात रियास पर हमला करता है, लेकिन इससे उसे बचा लेता है। रियास इससे को थैंक यू बोलती है, तो इससे बोलता है कि वो मेरी बॉडी अपने आप ही मूव कर रही थी। अब रियास बोलती है कि अकेनो, इसे खत्म करो। तो अकेनो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी प्रेसिडेंट पर हमला करने की। रियास बोलती है कि अकेनो मेरी क्वीन है, जिसके पास हर एक पीस की ताकत है। अब अकेनो उस मॉन्स्टर को झटके दे देकर हालत खराब कर देती है। तो रियास बोलती है कि काफी है अकेनो। अब रियास मॉन्स्टर को बोलती है कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? तो डेविल बोलती है कि मुझे खत्म कर दो। रियास बोलती है कि ठीक है, और अपने मैजिक के साथ उसे खत्म कर देती है। अब रियास बोलती है कि ठीक है, घर चलो। तभी इससे बोलता है कि एक मिनट, मेरा इसमें से कौन सा रोल है? रियास बोलती है कि तुम मेरे पॉन हो, एक फुट सोल्जर। इससे बोलता है, क्या तुम्हारा मतलब है कि सबसे छोटा पीस? अब इससे साइकिल में जाते हुए सोचता है कि मुझे अपना सर्वेंट रखने के लिए हाई रैंकिंग डेविल बनना होगा, लेकिन प्रेसिडेंट तो पैदा ही हाई रैंकिंग डेविल हुई थी, लेकिन मैं तो एक फुट सोल्जर हूँ, सबसे कमजोर पॉन। मेरे लिए हैरम किंग बनने का रास्ता काफी लंबा है।
अबे घर के बाहर। इससे बोलता है कि दरवाजा तो खुला है, ये सेफ नहीं लग रहा। इससे बोलता है कि हेलो मैं लेडी ग्रैमरी की तरफ से आया हूँ। तभी इससे को कुछ महसूस होता है। पिछला सीन दिखाया जाता है जहाँ रियास बोलती है कि कोनिको को बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है, क्या तुम एक रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हो इससे, और हाँ इस बार पैक बनाकर ही आना, मुझे डिसअपॉइंट बिल्कुल मत करना। अब इससे सोचता है कि अगर अब मैं वापस गया तो मैं प्रेसिडेंट को फेस नहीं कर पाऊंगा। इससे बंदर चला जाता है तो देखता है कि नीचे बहुत सारा खून पड़ा हुआ है। तभी एक आदमी बोलता है कि ऐसे विकट इंसान को सजा तो मिलनी ही थी। हेलो मैं हूँ फ्रिड सेल्जान, मैं डेविल को खत्म करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का जूनियर प्रिस्ट हूँ। इससे बोलता है कि तुमने ये सब किया है, तो फ्रिड बोलता है कि ये डेविल में बदल गया तो इसका मतलब कि ये इंसान नहीं था, इसीलिए मैंने इसे मारा और यही मेरा काम है। अब फ्रिड लाइट सोर्ड निकालता है और बोलता है कि मैं इसके साथ तुम्हारे दिल को काटने वाला हूं और इस गोली के साथ तुम्हें भून दूंगा। अब फ्रिड इससे पर हमला करता है लेकिन इससे बच जाता है। तभी फ्रिड इससे पर एकदम से गोली चला देता है और इससे की टांग में लग जाती है। फ्रिड बोलता है कि ये डेविल को मारने के लिए बनाई गई है, तो बताओ का टेस्ट कैसा लगा। इससे अपना सेकंड गियर बाहर निकालता है तो फ्रिड बोलता है कि ओ तो तुम सचमुच के डेविल हो। इससे फ्रिड पर हमला करता है लेकिन फ्रिड बचकर इससे की पीठ को काट देता है। फ्रिड बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, और अब वो इससे को खत्म करने लगता है कि तभी एक लड़की पीछे से चिल्लाती है। फ्रिड बोलता है कि ओ मेरी असिस्टेंट आशिया, क्या तुम्हारा बैरियर बनाने का काम हो गया। आशिया खून देखकर बोलती है कि ये क्या है, तो फ्रिड बोलता है कि ओ तुम तो बिगिनर हो आशिया, यही हमारा काम है डेविल्स को खत्म करने का। तभी आशिया इससे को देखकर बोलती है कि इससे साथ, तो फ्रिड बोलता है कि ओ तो तुम एक दूसरे को जानते हो। इससे बोलता है कि मुझे माफ कर दो आशिया, मैं डेविल हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आया। फ्रिड बोलता है कि ये काफी अनफॉर्चुनेट है आशिया, इंसान और डेविल कभी मिक्स नहीं हो सकते, और हम जैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं, जो कि फॉलन एंजल की इच्छा के बिना जी भी नहीं सकते। इससे सोचता है कि फॉलन एंजल। फ्रिड बोलता है कि चलो अब अपना काम खत्म करने का टाइम हो गया। तभी आशिया इससे के आगे खड़े होकर बोलती है कि फादर फ्रिड मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसे छोड़ दो। फ्रिड बोलता है कि तुम जानती भी हो कि तुम क्या बोल रही हो। आशिया बोलती है कि भले ही एक डेविल हो लेकिन ये बहुत ही अच्छा इंसान है। अब फ्रिड गुस्से में उसके कपड़े फाड़कर बोलता है कि बहुत होगी तुम्हारी बकवास। वो उसका मुंह पकड़कर बोलता है कि फॉलन एंजल लेडी ने कहा था कि तुम्हें नुकसान ना पहुंचाऊं, लेकिन लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा डिसिप्लिन सिखाना होगा। इससे गुस्से में खड़े होकर बोलता है कि आशिया को छोड़ दो। फ्रिड बोलता है कि क्या तुम सचमुच लड़ना चाहते हो, लगता है पहले तुम्हें ही खत्म करना पड़ेगा। आशिया बोलती है कि इससे मत लड़ो। वहीं इससे सोचता है कि मुझे पता है कि मैं इससे जीत नहीं सकता, लेकिन मैं फिर भी भागूंगा नहीं। और अब इससे फ्रिड को एक जोरदार पंच मार के नीचे गिरा देता है। फ्रिड बोलता है कि यह काफी फैसिनेटिंग था, तो चलो एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं कि मैं तुम्हारे शरीर के कितने टुकड़े करता हूँ। ऐसा बोलकर वो इससे के ऊपर हमला कर देता है। तभी एक मैजिक पोर्टल बनता है जिसमें से कीबा निकलकर इससे को बचा लेता है। कोने को रख के अनोबिया जाते हैं, तो फ्रिड बोलता है कि ओह सारी डेविल गैंग यहाँ पर आ गई। कीबा बोलता है कि सॉरी लेकिन वो हम में से एक है, और तुम्हारे प्रिय जैसे प्रिस्ट से तो ऐसी वल्गैरिटी की उम्मीद मैं नहीं रखता। फ्रिड बोलता है कि ज्यादा एक्टिंग मत करो डेविल, तुम्हारे जैसे डेविल को खत्म करने का काम ही मेरा जीने का मकसद है। तभी रियास उस पर हमला करके बोलती है कि ओ तब तो मैं भी तुम्हें उड़ा सकती हूँ, क्योंकि तुमने मेरे सर्वेंट के इतने अच्छे से ख्याल जो रखा है। फ्रिड बोलता है कि ओ डेविल की लीडर भी यहाँ पर आ गई। रियास बोलती है कि इससे क्या तुम ठीक हो। इससे बोलता है कि मुझे माफ कर दो आपके लेक्चर देने के बाद भी। रियास बोलती है कि देखो तुम्हें कितनी चोट लग गई, मुझे माफ कर दो, मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि यहाँ पर स्ट्रेक जोरिस्ट है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर एक बैरियर बना हुआ था इसलिए हमें पता ही नहीं चला। यह सुनकर फ्रिड आशिया को मारने लगता है और बोलता है कि ये तुमने क्या किया, बीच बैरियर का काम तुम्हारा था। अब रियास बोलती है कि मैंने एक पॉलिसी बनाई है कि जो भी मेरे सर्वेंट को नुकसान पहुंचाता है मैं उन्हें कभी माफ नहीं करती। फ्रिड बोलता है कि ओह ये पावर प्रॉब्लम हो सकती है। तभी कोने को बोलती है कि बहुत सारे फॉलन एंजल आ रहे हैं। फ्रिड बोलता है कि पासा तो पूरी तरह से पलट गया, तैयार हो जा बहुत सारे लाइट्स पर खाने के लिए डेविल। रियास बोलती है कि अकेला हूं मैं, इससे को बचाना हमारा मकसद था, जंप प्रिपेयर करो। फ्रिड बोलता है कि तुम डेविल भाग नहीं सकते। इससे बोलता है कि हम आशिया को भी साथ में ला रहे हैं ना। रियास बोलती है कि नहीं मैजिक सर्कल से सिर्फ मेंबर्स ही जा सकते हैं। इससे बोलता है कि नहीं आशिया। आशिया बोलती है कि गुड बाय, इससे हम बाद में जरूर मिलेंगे। ओके गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।